हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब से आई तब से इतने सारे विवाद, इतना संशोधन तो आज तक किसी परीक्षा में नहीं हुआ। ये बात और है कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जब मन चाहा संशोधन कर दिया। बाद में आपने देखा होगा इतने सारे विरोध हुए कि अदर स्टेट वालों को भी शामिल मत करो, फिर आर्टिकल 16 का उन लोगों ने तर्क दे दिया कि हम कर सकते हैं। उसके बाद से आज है 4 जुलाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और आज होनी है 11 केस में सुनवाई। और मुझे ये बताते हुए आप सभी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है कि एक केस की सुनवाई हो चुकी है और वो जो केस था वो भी न्यूमाली को रद्द करने के लिए, स्टे लगाने के लिए था, जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि कोई भी जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, सब यही चाहते हैं कि स्मूथली परीक्षा हो जाए, अगस्त में जितना जल्दी हो सके एक नौकरी मिल जाए। क्योंकि कल शिक्षा मंत्री ने भी बोला था कि जो विपक्ष की पार्टी है, साथ में जो लोग बार बार न्याय जा रहे हैं, कोर्ट केस करना चाहते हैं, वो सभी जो है इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं कि भर्ती कंप्लीट ना हो पाए और भर्ती चली जाए कोर्ट में और एक लंबे समय तक लोग जो है इंतजार करते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद से आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो, क्या आप सच में चाहते हो न्यूमाली पे स्टे लग जाए या फिर आप एग्जाम देना चाहते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, आज जो है ना 11 केस की सुनवाई होनी है, जिसमें से एक केस की सुनवाई हो चुकी है। और वो एक केस किस पे था, वो था न्यूमाली पर स्टे लगाने पर, इस केस पे स्टे लगा दिया जाए। जजमेंट आना बाकी है बट सुनवाई समाप्त हो चुकी है। और जैसा भी चीजें पता चल रही, मैंने पता करने की भी कोशिश की, तो 100% उनके द्वारा ये सामने आ रहा है कि जो केस की सुनवाई है वो 100% यही है कि न्यूमाली पर स्टे लग जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे उसमें आप जानते हैं, इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक अलग-अलग गुट है। जो लोग चाहते, कुछ लोग चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, कुछ चाहते हैं कि स्टे लग जाए, और कुछ चाहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको एग्जाम देना ना पड़े, पहले की तरह जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो। इस 11 केस की जो सुनवाई होनी है उसमें से 4 केस है वो तो केवल न्यूमाली पर स्टे लगाने के लिए है, पब्लिक डोमेन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर सच में ऐसा हो जाता है तो फिर से एक हाथ में निराशा आ जाएगी। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं, मैं तो यही चाहती हूँ कि परीक्षा जो है एक बार कंडक्ट हो जाए, एग्जाम हो जाए और लोगों को नौकरी मिल जाए। क्योंकि आप दूसरे स्टेट का देख लीजिए ना, स्टे लगने के बाद से अभी तक बहुत सारी परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं। ये तो आप सब जानते हो कि जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली जाती है, कितना लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। और अगर एग्जाम हो जाता है तो ये होता है कि चलो कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, बाकी के जो होंगे अभ्यर्थी वो बाद में भी अपने प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट फिलहाल शायद ये सारी चीज़ें इन्हें सही लग रही हो। आप अपना इस पर प्लीज़ रिप्लाई जरूर करना। और हाँ, शाम तक आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही एक केस की सुनवाई समाप्त हुई, मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वो न्यूमाली स्टे पर था, जजमेंट अभी थोड़ी देर में आना बाकी है। जैसे ही जजमेंट आ जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या न्यूमाली पे स्टे लग चुका है या नहीं। बट फिलहाल के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि 4 केस तो केवल न्यूमाली को रद्द करने के लिए, इस पे स्टे लगाने के लिए किया गया है। तो आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए या फिर ये कोर्ट केस का चक्कर हो और आधे अभ्यर्थी इसी में परेशान हो जाए। क्योंकि कुछ जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं या फिर जो सच में एक नौकरी चाहते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि कैसे भी करके बस एग्जाम जल्द से जल्द हो। क्योंकि कोर्ट केस का जो लफड़ा होता है काफी लेंदी होता है, एग्जाम की डेट नहीं आती है, ये तो आप भी जानते ना, एग्जाम की डेट तक नहीं आती है, कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि पेपर अगस्त में हो जाए और जितना जल्दी हो सके सभी को नौकरी मिले, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी देखते हैं, क्योंकि 4 केस तो कर ही दिया गया है न्यूमाली पे, अब देखते हैं क्या अपडेट आता है। बाकी 11 केस जितनी भी सुनवाई होनी है, शाम तक सब कुछ अपडेट आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।